hello john let's read this question the question says consider a vernier caliper in which each 1 centimeter on the main scale is divided into eight equal divisions and a screw gauge with 100 divisions on its circular scale in the vernier calipers five divisions of the vernier scale coincides with four divisions on the main scale and in the screw gauge one complete rotation of the circular scale moves it by two divisions on the linear scale then a if the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper the least count of the screw gauge is 0.01 mm b if the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper the least count of the screw gauge is 0.05 mm

की कॉन्सेप्ट एंड की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज देखो ये क्वेश्चन बेस्ड है वन ईयर कैलिपर एंड स्क्रू गेज एंड स्क्रू गेज तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आइए सवाल पे आ जाते हैं ओके क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या लिखा है देखो हमको गिवन है क्वेश्चन में कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच इच वन सेंटीमीटर मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू एट इक्वल डिविजन मेन स्केल में एक सेंटीमीटर को आठ पार्ट्स में डिवाइड किया है ओके स्क्रू गेज की बात करें तो विथ हंड्रेड डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज में हंड्रेड डिवीजन है उसके सर्कुलर स्केल परल के पास में फाइव डिवीजन ऑफ दर स्केल को साइड विथ फोर डिविजन ऑन द मेन स्केल यानी कि पांच डिवीजन वन ईयर स्केल पर फोर डिविजन मेन स्केल के बराबर है इन स्क्रू गेज वन कंप्लीट रोटेशन जब करते हैं सर्कुलर स्केल का तो इट इट स्केल मूव्स इट बाई टू डिविजन लीनियर स्केल ओके तो अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या, -क्या चीजें गिवन है तो आइए वनियर के लिए करते हैं वनियर के लिए पहले हम वनियर के पास की बात कर लेते हैं वर्नियर वर्नियर कैलिप क्या लिखा है बच्चे वन सेंटीमीटर इज डिवाइडेड वन सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू एट डिवीजन्स एट डिविजन्स यानी कि एक मेनिज डिवीजन कितना हो जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन डिवीजन इज कितना इज इक्वल टू कितना वन बाई एट सेंटीमीटर जब एट डिवीजन मिलके एक सेंटीमीटर बना रहा है तो एक मेन स्केल का डिवीजन कितना वन बाई एट सेंटीमीटर और एक चीज और की है कि फाइव वनियन स्केल डिवीजन फाइव वनियन स्केल डिवीजन क्वेश्चन है बच्चे यानी वन स्के पांच डिविजन मिलकर के, किसके बराबर, के के बराबर है तो यहां से निकाल निकालना लिफ्ट काउंट क्या हो जाएगा वन एम एस डी माइनस एम एफ डी में से बी एफ डी को माइनस करते हैं बच्चे वन एम एस डी माइनस वन बी एस डी होता है वन एम एफ डी माइनस माइनस वन बी एस तो देखो वन एम एस टी को ठीक है दो वन बी एस डी कितना हो जाएगा फाइव बाई फोर हो जाएगा फाइव बाई फोर एम एस डी तो लिस्ट काउंट देखो वनिया के लिए पास कितना निकल के आ रहा है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू आ रहा है वन बाई फाइव मेन स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा by 8, तो सेंटीमीटर कि सेंटीमीटर 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 जो भी गिवन है उसका count है उसका चलिए चलते हैं आगे स्क्रू गेज की बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन में कि अब स्क्रू गेज की बात होगी अब चर्चा होगी स्क्रू गेज पर देखो पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितना है बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना पिच ऑफ पिच ऑफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज स्क्रू गेज इज टू टाइम्स टू टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल ये क्वेश्चन में गिवन है तो अगर पिच निकालना चाहे तो पिच पी कितना आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ वन बाई फोर्टी सेंटीमीटर यानी किस ऑन सर्कुलर स्केल कितना बच्चे ऑन सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल दैट इज हंड्रेड अब देखो लिस्ट काउंट कितना होता है स्क्रू गेज का स्कूल गेज का जो लिस्ट काउंट होता है इसका फॉर्मूला होता है पीच डिवाइडेड बाई पीच डिवाइडेड बाई पी आई टी सी एच पीच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल ऑन सर्कुलर स्केल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल तो देखो लिस्ट काउंट कितना आ गया पीच है वन बाई ट्वेंटी हंड्रेड तो इसको अगर हम तो सॉल्व करेंगे तो देखो वन बाई ट्वेंटी सेंटीमीटर में है ना तो इसको सॉल्व करने पे हमको जो लिस्ट काउंट मिलेगा लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज ये कितना आ जाएगा बच्चे ये आ जाएगा लिस्ट काउंट विल बी जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव सेंटीमीटर तो अगर इसको एमएम में लिखते हैं तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा तो यहीं लिख लेते हैं एमएम में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो हो जाएगा ये जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एम एम जरा ऑप्शन की बात करिए ऑप्शन में क्या बोल रहा था कि इफ द पीच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस जो कि हमने किया हुआ है ट्वाइस द डिस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर द डिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज जीरो पॉइंट जीरो बिल्कुल नहीं, नहीं है और जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम भी नहीं है क्योंकि एक्चुअली में क्या है

सर्कुलर स्केल मूव इट बाई टू डिविजन ऑन ड लीनर स्केल ठीक है ओके अब ऐसे में क्या करना है सो पीच इज कितना सो सो पीच पीच इज क्या हो गया टू टाइम्स हो गया टू टाइम्स लीनियर स्केल लीनियर स्केल डिविजन लीनियर स्केल डिवीजन ऑफ द स्क्रू गेज ऑफ द स्क्रू गेज ओके तो पीच कितना हो गया बच्चे पी और पीच कितना हो गया टू टाइम्स ऑफ लीनियर स्केल डिवीजन ठीक है टू टाइम्स ऑफ लीनियर स्केल डिवीजन टू टाइम्स ऑफ लीनियर स्केल डिवीजन डिजन ऑफ ऑफ स्क्रूगेज तो देखो जब हम यहां पर बात करेंगे टू इन टू लिनियर स्केल डिविजन लेंगे जब इसको अगर हम इस टर्म को अगर हम लिखते हैं वन ईयर स्केल के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा लिफ्ट काउंट ऑफ एक मिनट टू टाइम्स ऑफ ना क्योंकि टू टाइम्स लिखा है टू टाइम्स हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ लिफ्ट काउंट ऑफ वन ईयर स्केल यानी फोर टाइम्स हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट बच्चे फोर टाइम्स ऑफ लिफ्ट काउंट हो जाएगा ऑफ वन ईयर स्केल और लिस्ट काउंट वन ईयर स्केल हमको वन बाई फोर्टी है तो पिच कितना आ गया वन बाई टेन आ गया जब पिच वन बाई टेन आ गया तो इसको काउंट कितना आ जाएगा लिस्ट काउंट जो है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिविजन नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑन सी एस सर्कुलर स्केल तो पीज कितना बच्चे? है बच्चे पीच वन बाई टेन है डिवाइडेड बाई हंड्रेड है तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर आ रहा है यानी कि जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम आ रहा है लिस्ट काउंट देखिए मैच कर रहा है क्या ऑप्शन को जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम ओके ये तो सही हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एम एम तो नहीं होगा इट द लेट काउंट ऑफनेस के लिए जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव नहीं है कितना है जीरो पॉइंट जीरो ऑप्शन इज सी कैट ऑप्शन इज सी